नहीं करना, दोबारा स्टार्ट किया या फिर छोड़ रखा था या फिर पहली बार ही कर रही है, तो ये उसमें ये रूल फॉलो होगा। ठीक है, अब इतना बेसिक। अब भाई देखो, मैंने आपको इतना कुछ समझा दिया, ठीक है, अब थोड़ा सा धीरे धीरे चलते हैं। अब आपको इतना पता चलेगा कि मेंटेनेंस कैलरी कैसे निकालनी, ये सब चीज है। अब चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ, ठीक है। ये चीज आपको आई थिंक समझ में आ चुकी होगी, मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। फिर आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह भी लूंगा इसके बाद कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देखो चलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब अपना हमारा जो अगला है, अगली चीज है कि यार चलो ये तो बात हमें हमें समझ में आ गई कि मेंटेनेंस कैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, बीएमआर क्या होता है, आरएमआर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, पांच न्यूट्रिएंट्स होते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, सबके बेसिक बेसिक से मतलब हमने फंक्शन समझ लिया कि कौन कैसे कैसे फंक्शन कर रहा है। अब कुछ एक दो इंपॉर्टेंट चीजें समझ रहे हैं, कुछ एक दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो, आप जो फूड खाते हो आपकी बॉडी उसमें उसको स्टोर करती है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर कैसे, तो कुछ इस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है वो स्टोर होता है एज अ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब पहले एक चीज समझ लो कि ग्लूकोज है क्या। देखो तो आप लोगों ना कैलोरीज को जो रिलेट करते हैं शुगर से, शुगर मतलब जो आपके घर के अंदर शुगर है, समझो होता क्या है। अगर आपके बात करता हूँ कार्बोहाइड्रेट की, आपसे बात करता हूँ प्रोटीन की, आपसे बात करता हूँ फैट की, ये बने किससे है? ये छोटे 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 मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं, या बोल सकते हो छोटे छोटे सब्सटेंस से मिलकर बने हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करता हूँ तो कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे आपके मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे उनसे कंबाइन होके मिले बने हैं। जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होता है तो ये कार्बोहाइड्रेट बना देता है। ये मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं सैकराइड। अगर एक है तो मोनो बोलेंगे, और एक से ज्यादा है तो एक, अगर दो है तो, अगर दो एक साथ है तो डाइसैकेराइड बोलेंगे, एक है तो मोनोसैकेराइड। तो जब मोनोसैकेराइड्स आपस में कंबाइन होते हैं, जब मोनोसैकेराइड्स आपस में कंबाइन होते हैं, जब एक साथ बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स आपस में कंबाइन होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब छोटे 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 मोनोसैकेराइड से मिलकर क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है, इसका पूरी क्लास हो सकती है इसके ऊपर, लेकिन इसलिए मैं इसको यहाँ तक ही रखूंगा बस ज्यादा ज्यादा, ठीक है। तो ये जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं ना, इन्हीं को हम शुगर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली, और ये जो शुगर है, ये शुगर भी आपकी बॉडी के अंदर सिंप मोनोसेक्राइड मोनोसेक्राइड शुगर है। तो शुगर भी तीन टाइप की होती है, फ्रक्टोज मतलब आप जो डाइट से लेते हो, फ्रक्टोज, ग्लूकोज और आपकी गैलेक्टोज। तो जो जनरली जो ग्लूकोज है, ध्यान सुनना, जो ग्लूकोज है इसका मतलब मान लेते हैं ये ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब ग्लूकोज है, मतलब मोनोसेक्राइड्स है, मोनोसेक्राइड शुगर बोलते हैं। तीन टाइप की होती है, इसके अंदर एक टाइप मैंने लिख दी ग्लूकोज, एक को लिख देता हूँ, एक होगी आपकी फ्रक्टोस, एक को लिख देता हूँ, एक होगी आपकी गैलेक्टोस, ठीक है। तो तीन टाइप की होती है, तीनों तीन टाइप की शुगर आप मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होता है, अपना अपना कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ फ्रक्टोस कहाँ मिलती है, जब फ्रूट खाते हो, फ्रूट जब खाते हो, फ्रूट के अंदर जो आपको शुगर मिलती है, जो ये शुगर मिलती है, जो वाली शुगर मिलती है, जो ये शुगर मिलती है, जो ये शुगर मिलती है, वो आपको फ्रक्टोस मिलती है, ठीक है। ग्लूकोज कहाँ मिलती है? जो आप ग्रेन्स वगैरह खाते हो मेनली, तो वहां से आपको ग्लूकोज मिलती है। तो गैलेक्टोज भी खासकर आपको ऐसे ग्रेन्स प्रोडक्ट मतलब जो आपके ग्रेन्स दाल वगैरह उनसे आपको मिलती है। तो सिंपल इन वन वर्ड, ये जब छोटे छोटे शुगर मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं तब जाके ये कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ठीक है। और आपकी बॉडी जिस मॉलिक्यूल को यूज करती है एनर्जी के तौर पर, मतलब कि अगर आप फ्रक्टोज खाओगे या गैलेक्टोज खाओगे, ठीक है, तो आपकी बॉडी इसको एनर्जी में तभी कन्वर्ट कर पाएगी जब इसको कन्वर्ट पहले करेगी ग्लूकोज में। तो आपकी बॉडी जो एनर्जी लेती है वो किससे लेती है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल से लेती है। मतलब कि अगर मैंने, मान लेते हैं, अगर मैं बनाना कंज्यूम कर रहा हूँ जिसके अंदर फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों ऑलमोस्ट होता है, तो जो फ्रक्टोज है, अगर मेरी बॉडी को एनर्जी चाहिए तो उस फ्रक्टोज को पहले किस में कन्वर्ट करेगी? ग्लूकोज में, उसके बाद उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। तो हमारी बॉडी के अंदर जो प्राइमरी सोर्स ऑफ जो एनर्जी है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट, और मेनली कौन सा कार्बोहाइड्रेट का शुगर मॉलिक्यूल? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को हमारी बॉडी एनर्जी के तौर पे यूज करती है, किसी और अदर शुगर मॉलिक्यूल को यूज नहीं करती और इसी को स्टोर करती है, ठीक है। तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी का मॉलिक्यूल है, इससे आपकी बॉडी एनर्जी बनाती है, मतलब इसको कन्वर्ट करती है आप आगे फर्दर एनर्जी के लिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ चुकी है आई थिंक आपको, तो इतनी बात हमें समझ में आ चुकी है, ठीक है, ग्लूकोज। अब ये प्रोटीन क्या है? प्रोटीन छोटे छोटे मॉलिक्यूल से भी, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, ठीक है। इन मॉलिक्यूल को बोलते हैं एमिनो एसिड्स, आप सभी ने सुना भी होगा। तो जो एमिनो एसिड्स हैं, जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो ये क्या बनाते हैं? प्रोटीन। अब इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया है प्रोटीन को भी, एसेंशियल प्रोटीन और नॉन एसेंशियल प्रोटीन। तो मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। देखो एसेंशियल नॉन एसेंशियल मतलब क्या है? एसेंशियल मतलब जरूरी, नॉन एसेंशियल मतलब जिसकी जरूरत नहीं है। तो एसेंशियल मतलब बेसिकली प्रोटीन, एमिनो एसिड की बात कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे गलती करती, यहाँ लिख देते हैं। हाँ, एमिनो एसिड जो है ना, एमिनो एसिड से मिलकर बनता है, ठीक है। अब ये जो एमिनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, ये भी आपके, ये जो एमिनो एसिड्स नहीं होता, आपके दो तरीके, एक होता है एसेंशियल एमिनो एसिड्स और एक होता है आपके नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स।
अब देखो एसेंशियल एमिनो एसिड्स कौन से होते हैं? एसेंशियल एमिनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, मतलब कि मेरे को फूड जो मतलब बेसिकली ये मुझे वो ये वो एमिनो एसिड है जो मुझे बाहर से लेने पड़ेंगे डाइट के थ्रू, जब मेरी बॉडी के अंदर जाएंगे तो मेरी बॉडी के अंदर ये जो अदर जो एमिनो एसिड्स हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स उसको बनाने में हेल्प करेंगे। अभी भी समझ में नहीं आ पाएगा तो समझ में, मैंने क्या कहा, ये वो एमिनो एसिड्स होते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड्स जिसको मेरी बॉडी नहीं बना सकती, तो बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। ठीक है, क्यों चाहिए? अगर ये नहीं होगा तो प्रोटीन कैसे बनेगा? ठीक है, और नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं? जिसको हमारी बॉडी बना सकती है, भाई बॉडी बना लेती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये एसेंशियल एमिनो एसिड्स मुझे डाइट से लेने पड़ेंगे, और जब ये डाइट से मैं लूंगा तो इनकी हेल्प से नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड मेरी बॉडी के अंदर खुद बन जाएंगे। तो जो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं उनकी आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं। जिसका एक कॉमन एग्जांपल बताता हूँ आपको, ग्लूटामिन, ग्लूटामिन आप सभी ने सुना होगा, ग्लूटामिन। तो जो ग्लूटामिन एक नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स है, इसकी आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शन, एक एक बेसिक सा फंक्शन बताता हूँ, ये आपकी बॉडी के अंदर आपका डाइजेशन को अच्छा रखने में हेल्प करता है। ठीक है, डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है, फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। एसेंशियल एमिनो एसिड्स के अंदर आपने बहुत कॉमन एमिनो एसिड सुनोगे, जिसे बोलते हैं ब्रांच चेन एमिनो एसिड, इसे बोलते हैं BCAA। ठीक है, इसके अंदर आपका ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और वेलिन, ये तीन एमिनो एसिड आते हैं, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो सिंपल इन वन वर्ड भाई, प्रोटीन क्या होता है? छोटे छोटे एमिनो एसिड जब आपस में कंबाइन होते हैं तो एक जो पूरा कंपाउंड बनता है उसे बोलते हैं प्रोटीन। और ये एमिनो एसिड्स कौन कितने टाइप के? दो तरीके के, एसेंशियल नॉन एसेंशियल। एसेंशियल कौन से? जो हमें डाइट से लेने होते हैं, और नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं? जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, अब फैट का और सुन लो, फैट क्या है? फैट भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, जिन्हें बोलते हैं फैटी एसिड्स। ठीक है, फैटी एसिड्स। तो फैट्स को भी दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, एक तो होता है सैचुरेटेड फैट, एक होता है अनसैचुरेटेड फैट। बस अभी के लिए इतना समझ लो, ये और आगे फर्दर कैटेगराइज है, बट अभी के लिए इतना समझ लो, जो सैचुरेटेड फैट है जनरली इसको लोग अनहेल्दी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अनहेल्दी तब होता है जब आपकी बॉडी के अंदर ये जो इसकी डिमांड है उससे ज्यादा हो जाए। ठीक है, सैचुरेटेड फैट की आपकी बॉडी के अंदर नीड भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो मोस्ट ऑफ जो हार्मोन्स होते हैं, जिनको हम स्टेरॉयडल हार्मोन बोल रहे हैं, सब आपको टेस्टोस्टेरोन, आपके एस्ट्रोजन वगैरह, ये हार्मोन बनाने में आपके सैचुरेटेड फैट हेल्प करते हैं। ठीक है, बस अभी के लिए समझ लो, तो आप चाहो तो जनरल वन वर्ड इतना समझ सकते हो कि वे सैचुरेटेड फैट वो है जिसकी हमारी बॉडी को नीड है। ठीक है, हम इन्हें बैड फैट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इसकी हमारी बॉडी को जो जो इसकी जो हमारी बॉडी का जो इंटेक है लिमिटेड होनी चाहिए, जितनी हमें जरूरत है। और अनसैचुरेटेड फैट होते हैं हेल्दी फैट के नाम से काउंट किया जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, और आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी क्या करते हैं, मेनली आपकी बॉडी के जो फंक्शन वगैरह है मोस्ट ऑफ फंक्शन करने में हेल्प करते हैं, और आपकी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, ठीक है, जिसे हम LDL बोलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल वगैरह, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो सिंपल वन वर्ड भाई, दो टाइप के फैट होते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, उसको हम बहुत आगे तक पढ़ सकते हैं, बट अभी इसमें हम ज्यादा आगे नहीं जा सकते। ठीक है, अब यहाँ से एक बात समझ में आती है कि भाई ये हमें समझ में आ गया कि कौन किससे मिलकर बना है, जनरल जनरल पढ़ दिया, अब हमारी बॉडी के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट कैसे होती है। ठीक है, ऐसा समझना, तो फैट, टोटल फैट का बताता हूँ मैं, टोटल फैट की हमारी बॉडी के अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है एक एडल्ट के, हेल्दी एडल्ट के अंदर, आप बोल सकते हो 25 से 30% तक। मतलब कि अगर आप अपनी मेंटेनेंस कैलरी देखते हो, अपनी मेंटेनेंस कैलरी का आपका 25 से 30% जो पार्ट आना चाहिए ना कैलरीज का, वो किससे आना चाहिए? आपके फैट से आना चाहिए। ठीक है, अब प्रोटीन की बात करते हैं, देखो प्रोटीन का ना डिपेंड करता है। ठीक है, मिनिमम अगर मैं आपको बताऊं मिनिमम कितना प्रोटीन आपको लेना चाहिए, तो मिनिमम आपकी बॉडी के अंदर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो आपकी बॉडी के जरूरी जरूरी, वो आपका 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। मतलब कि अगर कोई बंदा 50 किलो का है तो उसको 50 × 0.8, ये जो कैलकुलेट करके वैल्यू आएगी, इतना मिनिमम इसको प्रोटीन चाहिए। ठीक है, अगर आप कैलकुलेट करते हो लगभग आपको 40 समथिंग आएगा ये। ठीक है, तो मिनिमम आपको इतना प्रोटीन डेली का, इतने ग्राम प्रोटीन मिनिमम आपको चाहिए, आप कैलकुलेट करके देख लेना। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट हो गई। अभी मिनिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि ये कितना परसेंट बैठ रहा है आपका। ठीक है, जितने थोड़ी मैं मैथ्स पढ़ी उसे पता होगा कैसे करते हैं। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट का क्या है? देखो भाई, मैंने बोला कि मान लेते 25 से 30% आपने किससे ले लिया भाई, ये हो गया आपका फैट से 0.8 ग्राम, ये मिनिमम हो गया। अभी आपके गोल के ऊपर डिपेंड करेगा, आपका माल गोल मान लो मसल बिल्डिंग है, ठीक है, फैट लॉस है, आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, उसके हिसाब से प्रोटीन इंटेक बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो ये तो मिनिमम हो गई। ठीक है, तो मिनिमम हो गई, तो ये बढ़ती रहेगी। मान लेते हैं आपका लगभग बैठा आपका 20 से 30% बैठा। ठीक है, तो मान लेते हैं आपने 25 से 30% यहाँ से पूरा कर लिया, 20 से 30% यहाँ से ले ली, तो मान लेते हैं मैंने 25% लिया था फैट, 30% लिया मैंने क्या लिया प्रोटीन, तो 25 और 30 कितना हो गया 55, बाकी कितना बचा 55% ही बचा। तो अब आपको 55% जो कैलरी जो बच रही है, 55% कैलरी वो आपको लेनी होती है कार्बोहाइड्रेट्स। तो सिंपल सिंपल सा क्या है कि भाई जो बच गया लास्ट में, जो बच गया वो सारी कैलरी कहां से लेनी है आपको? कार्बोहाइड्रेट से। अब लोग कहेंगे कि सर अगर किसी का गोल फैट लॉस है तो उसको तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेना नहीं चाहिए। तो मैं आपको एक चीज पहले बता देता हूँ, मैंने क्या बोला कि मेंटेनेंस कैलरी। देखो मेंटेनेंस कैलरी
या आपने जो कैलोरी कैलकुलेट कर ली, डेफिशिएट जो आपने कैलकुलेट कर चुके हो कि सर ये मेरा डेफिशिएट है, अब उसके अंदर आप जितनी भी कैलोरी कंज्यूम करोगे, उसके अंदर अंदर जो कैलोरी कंज्यूम करोगे, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा ले रहे हो, प्रोटीन से कम ले रहे हो, तो उससे आपका वेट गेन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने कैलोरी कट कर रखी है। आपको कैलोरी, आपको वेट गेन आपका कब होगा? जब आप मेंटेनेंस से ऊपर जाओगे तब वेट गेन होगा। अब लोग ये मिथ रहता है कि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से फैट गेन होता है। नहीं, अगर ज्यादा प्रोटीन खाओगे उससे भी फैट गेन होगा, लेकिन तब कब होगा? जब वो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी से ऊपर चला जाएगा। अगर वो मेंटेनेंस कैलोरी से ऊपर चला गया, ठीक है, मान लेते हैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे, भाई मैं कह रहा हूँ मैं हूँ लो फैट डाइट पे, ठीक है, नहीं लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे, क्यों मेरा गोल है फैट लॉस, ठीक है, मैंने क्या करा, लो कार्बोहाइड्रेट लो कर दिए, ठीक है, लेकिन मैंने क्या करा, मैं फैट लॉस पे तो मुझे अपना प्रोटीन बढ़ाना है। क्यों? क्यों बढ़ाना है? कि मेरा मसल लॉस हो जाए, तो मैंने प्रोटीन बढ़ा दिया। तो मैंने क्या देखा, जब मैंने कैलकुलेट किया तो मेरी मेंटेनेंस कैलरी थी मान लो इतनी, तो मैंने क्या किया, मेंटेनेंस कैलरी से मैं ऊपर ही खा रहा हूँ, बल्कि अभी भी कैलरी मेरी बॉडी में ज्यादा जा रही है। क्यों? क्योंकि मैंने प्रोटीन ज्यादा कर दिया। तो इसका मतलब आप कुछ भी ज्यादा कर दोगे ना, कुछ भी ज्यादा कर दो, अगर आपकी मेंटेनेंस कैलरी से ऊपर चला गया कोई भी न्यूट्रिएंट, तो आपका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा दोबारा। तो इसलिए कहा जाता है, जो फैट है, फैट को लिमिटेड अमाउंट में खाने को क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहली चीज तो फैट के अंदर दो टाइप के फैट आ रहे हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। दूसरा, फैट के अंदर कैलरी ज्यादा होती है, पर ग्राम के अंदर 9 कैलरी होती है। तो मैंने आपको पहले बोला था, अभी ये वर्ड यूज करूंगा, तो पर ग्राम के अंदर 9 कैलरी है, तो 9 कैलरी एक बड़ा नंबर है। तो अगर एग्जाम्पल के तौर, अगर 10 ग्राम आप खा रहे हो कार्बोहाइड्रेट, तो उससे आपको कितनी कैलरी मिल गई? 40 कैलरी मिलेगी। अगर 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो उससे कितनी कैलरी मिलेगी? 40 कैलरी मिलेगी ना। अगर 10 ग्राम फैट खाओगे तो कितनी मिलेगी? 90 कैलरी, तो लगभग डबल से ज्यादा। तो इसलिए कहा जाता है कि फैट को एक लिमिटेड अमाउंट में खाना चाहिए, क्योंकि वो आपको ज्यादा कैलरी सरप्लस क्रिएट करके दे रहा है, ठीक है। तो हो सकता है उस केस के अंदर आपका वेट गेन जल्दी से हो जाए। तो जब हम मार्केट के अंदर जो प्रोसेस फूड वगैरह खाते हैं, उसके अंदर ज्यादा फैट वगैरह ज्यादा होता है, चिप्स वगैरह हो गया, ऑयली फूड हो गया, तो उसके अंदर जो फैट है ना, एक तो वो अनहेल्दी फैट भी हो जाता है। उसका रीजन आपको, उसका रीजन सिंपल से है, वो ओवर कुक होने की वजह से उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। दूसरा, फैट है तो ज्यादा कैलोरी हो गई। तो फैट की जो कैलोरीज होती है ना, फैट होगा थोड़ा, खाएंगे हम फैट वाले फूड खाएंगे, बट उसकी कैलोरीज बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए फैट को एक लिमिटेड अमाउंट में खाने को कहा जाता है, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि अरुण का, कि अकॉर्डिंग टू फैट लॉस ये कितना होना चाहिए। तो मैं अभी दोबारा बोलता हूँ, मेंटेनेंस कैलरी से, ध्यान सुना, मेंटेनेंस कैलरी से अगर कम खाओगे तो फैट लॉस होगा। तो मान लो मैंने मेंटेनेंस कैलरी से कम निकाल लिया अपना, मैंने अपनी फैट लॉस के लिए कैलरी निकाल दी, मैंने अपनी मेंटेनेंस कैलरी निकाली, उसमें से माइनस कर दिया 500, तो मेरा आ गया 2000। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं मेरा मेंटेनेंस कैलरी था 25,000, ठीक है, सो 2500, मैंने क्या करा, मैंने इसमें 500 माइनस कर दिया, ये आ गया मेरा फैट लॉस के लिए 2000। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे को क्या करना है, मुझे 2000 के अंदर से पोर्शन डिवाइड करना है। तो पहले तो मैं 25 से 30% किससे कैलरी लूंगा, अपनी फैट से लूंगा। पहले मेरा गोल क्या है, पहले तो 25 से 30% किससे ले लो, फैट से कैलरी ले लो, उसके बाद प्रोटीन से लूंगा। अब प्रोटीन से कैसे लूंगा, ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर समझाता हूँ, ठीक है, ये वाला पार्ट इसको रब कर देता हूँ एक बार बस, फिर देखते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया है कि अरुण कुमार ने ये पूछा है कि सर ये तो समझ में आ गया, तो जनरल गाइडलाइन के हिसाब से समझ में आ गया, लेकिन अगर किसी गोल फैट लॉस है, मसल बिल्डिंग है, उसके हिसाब से कैसे करना है? तो देखो, ये बात बस समझ के रखना, मैंने बोलता हूँ अगर मेंटेनेंस से ऊपर खाऊंगा तो वेट गेन, नीचे खाऊंगा तो वेट लॉस। तो अगर मान लो मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया मेरा गोल है फैट लॉस, तो मैंने फैट लॉस के लिए कैलरी निकाल ली कि मुझे अपने फैट लॉस के लिए 2000 कैलरी खानी है, तो इसका मतलब मुझे इसके नीचे ही खाना है। अगर मैं 2000 कैलरी खाऊंगा तो मेरा वेट गेन, वेट लॉस होना जरूरी है, मतलब होगा वेट लॉस जरूरी, लेकिन हेल्दी वे में करना है मुझे। तो मुझे यहाँ पे ना मैक्रोस को डिवाइड करना है अपना। अब मैक्रोस को कैसे डिवाइड करना है ये हम देखेंगे। अच्छा, मेंटेनेंस कैलरी से आप 500 कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट कर सकते हो, मतलब अगर मेरी 2000 और 2500 थी मेंटेनेंस कैलरी, तो मैंने 500 कम कर दी। 500 से ज्यादा कम नहीं करनी चाहिए, ठीक है, 500 ठीक है, मेंटेनेंस कैलरी से 500 कम कर दो, ठीक है। अब देखो, मैक्स टू मैक्स आप 700 कर सकते हो मेंटेनेंस कैलरी से कम, मैक्स टू मैक्स 700, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। वो भी एक एक्सट्रीम केसेस बताऊंगा, जो लोग ज्यादा ओबीज होते हैं उनके केस में करते हैं, ठीक है, फिर भी नहीं करना चाहिए। देखो, अब मान लेते हैं ये आगे 2000, अब आप कह रहे हो सर कितना प्रोटीन कितना फैट, पहले कार्ब्स, प्रोटीन और फैट, ये मैं आपको बता रहा हूँ फैट लॉस के केस के अंदर, ध्यान सुनना, कुछ ज्यादा भी रॉकेट साइंस नहीं, बहुत ही सिंपल सा है। देखो, मुझे बस ये पता होना चाहिए कि मेरा कार्बोहाइड्रेट प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी है मेरी बॉडी का, मेरी बॉडी पहले इसी को प्रेफर करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे वेट ट्रेनिंग करूंगा मैं, अगर मतलब बेसिकली मैं एक्सरसाइज करूंगा तो मुझे एनर्जी तो चाहिए ना, है तभी तो मैं एक्सरसाइज करूंगा, तभी तो मसल ट्रेन कर पाऊंगा। तो मैं इस केस के अंदर अगर मैं कार्बोहाइड्रेट अगर 2000 कैलोरी के अंडर लूंगा तो भी काम चल जाएगा। मतलब समझा दो कैसे, पहले तो देखो फैट तो आपको मिनिमम